1983 के विश्व कप के फाइनल मुकाबले के लिए इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के लोग टिकट खरीद रहे थे, लेकिन कुदरत का कहर और भारत का करिश्मा देखिए कि जहां एक देश को टिकट फाड़ना पड़ा, वहीं दूसरे देश को फटे हाल अपने वतन को वापस लौटना पड़ा। फाइनल की टिकट खरीदी किसी और ने और फाइनल देखा किसी और ने। शैंपेन की बोतलें मंगवाई किसी और ने और उन बोतलों को खोला किसी और ने। ग्रुप के 6 मैचों में 4 मैच जीतकर भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था और अपने इस 4 जीत में भारत ने वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों को भी परास्त किया था। लेकिन इस पराक्रम के बाद भी मीडिया, क्रिकेट पंडित और इंग्लैंड में सट्टा लगाने वाली कंपनी लैडब्रोक अपनी वाड़ी में भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना सिर्फ किस्मत की बात है और इंग्लैंड इस सेमीफाइनल में भारत को पराजित करके वेस्टइंडीज के साथ इस विश्व कप का फाइनल मैच खेलेगा। भारत के पराक्रम को तुक्का बताकर भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ने वाले शायद यह भूल गए थे कि यूनानी, अरबी, तुर्क, शक, उर्द, कुषाण, मंगोल, मुगल, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के अनेकों आक्रमण का तंस झेलने के बाद भी भारत और भारत के लोग खड़ा होना, लड़ना और जीतना जानते हैं। ये वो मिट्टी है जो अपनी गोद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र जैसे वीरों को जन्म देती और पालती है, और इसी मिट्टी के 11 खिलाड़ी उस दिन 22 जून 1983 को इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की धरती पर अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। क्रिकेट के एक दिवसीय खेल के इस संस्करण में अब तक के इतिहास में भारत ने कभी भी इंग्लैंड को इंग्लैंड की धरती पर पराजित नहीं किया था। इसी अहंकार, इसी दम्भ और इसी ऐतिहासिक घमंड के साथ गोरे भी इस सेमीफाइनल मैच में उतरने के लिए तैयार थे। गोरों का घमंड और उनका अहंकार अपने उत्साह की सीमाएं लांघ चुका था। अंग्रेजों ने यह सेमीफाइनल मुकाबला प्रारंभ होने से पहले ही फाइनल मैच के टिकट की खरीदारी शुरू कर दी थी। सेमीफाइनल मैच से पहले ही फाइनल मैच के टिकट की अंग्रेजों द्वारा यह खरीदारी बता रही थी कि सेमीफाइनल में भारत की हार को अनिश्चित मानकर चल रहे थे। खैर, 22 जून 1983 को यह मैच प्रारंभ होता है और भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पूरी जान लगाकर सधी हुई गेंदबाजी की और 60 ओवर के इस मुकाबले में अंग्रेजों की पूरी टीम को महज 213 रनों पर समेट दिया। कपिल सर ने 3, रोजर बिन्नी और महेंद्र अमरनाथ ने 2-2 और कीर्ति आजाद सर ने 1 विकेट लेकर अंग्रेजों के काफिले को सिर्फ 213 रनों पर ही रोक दिया था। 214 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को सुनील गावस्कर और श्रीकांत सर ने ठीक ठाक शुरुआत दी, लेकिन टीम का स्कोर जब 46 रन तक पहुंचा, तब गावस्कर सर 25 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद टीम के खाते में सिर्फ 4 रन और जुड़े थे कि 50 रन के टोटल स्कोर पर श्रीकांत सर भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। 50 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल सर ने एक अच्छी साझेदारी करके भारत का स्कोर 142 रन पहुंचा दिया। इसी स्कोर पर मोहिंदर अमरनाथ 46 रन की एक साहसिक पारी खेलकर आउट हुए। अमरनाथ के जाने के बाद संदीप पाटिल और यशपाल शर्मा ने भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। यशपाल शर्मा ने शानदार 61 रन की पारी खेली, जबकि संदीप पाटिल ने भी 51 बेहतरीन रन बनाकर भारत को जीत की दहलीज पार करवा दी थी। इस सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले मोहिंदर अमरनाथ को मैन ऑफ द प्लेयर चुना गया। मोहिंदर अमरनाथ ने 46 रन के साथ साथ 2 विकेट लेकर इंग्लैंड का बोरिया बिस्तर बांधने में अपना पूरा तन मन लगाकर काम किया था। इंग्लैंड को इंग्लैंड की धरती पर पराजित करके भारतीय खिलाड़ियों ने बता दिया था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के खून से सिंचित यह नया भारत है जो घर में घुसेगा भी, प्रहार भी करेगा, पराजित भी करेगा और अपने तिरंगे को लहराएगा भी। इस जीत के साथ इतिहास के वो पन्ने जल चुके थे जिन पन्नों पर लिखा था कि इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड को भारत ने कभी पराजित नहीं किया है। इस जीत के साथ भारत इस विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुका था। अंग्रेजों ने वो टिकट फाड़ने प्रारंभ कर दिए थे जो टिकट उन्होंने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का फाइनल मैच देखने के लिए पहले से ही खरीद रखा था। अब 25 जून 1983 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस विश्व कप का फाइनल मैच खेला जाता है। मैच शुरू होने से पहले ही वेस्टइंडीज के समर्थक जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि वो तीसरी बार विश्व कप जीतने जा रहे हैं। उधर प्रेस बॉक्स में अंग्रेज और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार बात कर रहे थे कि यह एक खराब फाइनल होने जा रहा है, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया होते
तो फाइनल में वेस्टइंडीज का अच्छा मुकाबला करते। भारतीय पत्रकार मिहिर बोस, जो उस समय संडे टाइम्स के लिए काम कर रहे थे, उन्हें अंग्रेज और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों द्वारा भारत की तौहीन अच्छी नहीं लगी और वे प्रेस बॉक्स को छोड़ करके ग्राउंड की तरफ नीचे आ गए। उस दिन टॉस ने कपिल सर का साथ नहीं दिया और इस फाइनल मुकाबले के लिए उस दिन कपिल सर टॉस हार गए। वेस्टइंडीज ने भारत को बैटिंग करने का निमंत्रण दिया और एंडी रॉबर्ट्स ने सुनील गावस्कर को सिर्फ 2 रन पर आउट करके भारत की सांसें रोक दी। गावस्कर के आउट होने के बाद मोहिंद्र अमरनाथ ने दूसरा छोर संभाला। एक छोर को संभाल कर श्रीकांत सर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। मोहिंद्र अमरनाथ और श्रीकांत सर के बीच दूसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी हो चुकी थी कि तभी कप्तान क्लाइव लैड ने गेंद मैलकम मार्शल को थमा दी और मार्शल ने आते ही श्रीकांत सर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रीकांत सर ने इस फाइनल मुकाबले में 38 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, जो दोनों टीमों की तरफ से इस मैच का सर्वाधिक स्कोर था। श्रीकांत सर के जाने के बाद कोई भी भारतीय बल्लेबाज बहुत कुछ खास नहीं कर सका और पूरी भारतीय टीम 5 ओवर शेष रहते ही सिर्फ 183 रनों पर ही सिमट जाती है। भारत को 183 रनों पर समेटने के बाद वेस्टइंडीज की टीम इस तरह से पवेलियन की तरफ भागी कि जैसे उन्होंने विश्व कप जीत लिया हो और वे उसे उठाने के लिए दौड़ रहे हों। लेकिन ये तो अभी कहानी का सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी की पूरी किताब बाकी है। ये तो अभी उन हवाओं का सिलसिला था, अभी तो पूरा का पूरा तूफान बाकी है। 183 रन पर भारतीय टीम के सिमटने के बाद भारत में क्रिकेट प्रेमी झल्लाकर अपने रेडियो और टीवी सेट को बंद कर रहे थे। मैच खत्म होने से पहले ही विदेशी पत्रकार वेस्टइंडीज की जीत को लेकर अपनी अपनी हेडलाइंस को तैयार करने में जुट गए थे। स्टेडियम में जो थोड़े बहुत भारतीय दर्शक थे, उनको वेस्टइंडीज के दर्शकों ने चिढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। लॉर्ड्स में मौजूद क्रिकेट के जानकार चर्चा करने लगे थे कि अगर व्यू रिचर्ड्स रुक गए तो मैच 25 ओवर पहले ही खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया जब भारत के हारने का इंतजार कर रही थी, ठीक उसी वक्त भारत का वह कप्तान अपने खिलाड़ियों को समझा रहा था कि तूफान चाहे जितना भी भयंकर हो, लेकिन जमीन से पुष्पित और पल्लवित हुए तिनके को भी वह उखाड़ नहीं सकता है। भले ही हमारे बल्लेबाजों का शो फ्लॉप हो चुका हो, लेकिन हमारे गेंदबाजों की फिल्म रिलीज होनी अभी बाकी है। मान लिया मैंने कि लोग हमारे हारने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जीतने का मजा भी तभी है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। भारतीय कप्तान के एक एक शब्द भारतीय खिलाड़ियों के अंदर एक जादुई ऊर्जा का संचार कर रहे थे। सभी भारतीय खिलाड़ी अब इस हार को जीत में बदल कर बाजीगर बनने का अटल निश्चय करके मैदान में उतरते हैं। वेस्टइंडीज की तरफ से ग्रीनीज और हाइनस बैटिंग के लिए उतरे और 4th ओवर में बलविंदर सिंह संधु ने एक ऐसी गेंद डाली जो उस विश्व कप की सबसे बेहतरीन गेंद कही जा सकती है। बलविंदर सिंह संधु की इस गेंद पर ग्रीनीज ने ये सोचकर बल्ला ऊपर उठा लिया कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड जा रही है और गेंद अचानक टर्न होकर अंदर आई और ग्रीनीज का ऑफ स्टंप ले उड़ी। पूरा स्टेडियम उस गेंद को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ग्रीनीज के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया था। ग्रीनीज का बल्ला ऊपर का ऊपर ही रह गया था और उस गेंद ने अपना कारनामा करके भारतीय खिलाड़ियों के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर दिया था। हालांकि इसके बाद विव रिचर्ड्स ने आते ही ताबड़तोड़ प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। मदन लाल के 1 ओवर में विव रिचर्ड्स ने लगातार 2 बाउंड्री लगाई और ठीक इसके बाद वाले कपिल सर के ओवर में विव रिचर्ड्स ने 3 बाउंड्री मारकर अपना इरादा जाहिर कर दिया था। वेस्टइंडीज सिर्फ 1 विकेट खोकर 50 रन बना चुका था। वेस्टइंडीज को जीत के लिए अब सिर्फ 134 रनों की ज़रूरत थी और मैदान में वह विव रिचर्ड्स नाम का तूफान भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करके उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। कपिल सर गेंद हाथ में लेकर सोच रहे थे कि अब गेंद किसको पकड़ाई जाए कि तभी मदन लाल आकर 1 ओवर और मांगते हैं। मदन लाल अपने 3 ओवर में 21 रन लुटा चुके थे। कपिल देव मदन लाल को ओवर देने से मना कर देते हैं। मदन सर कपिल सर से कहते हैं कि कपिल मुझे 1 ओवर और फेंकने दे, विव रिचर्ड्स मुझे गेंदबाज नहीं समझता है।
कपिल सर मदनलाल को गेंद देने से इनकार कर देते हैं। मदनलाल को गेंद न मिलता देखकर विव रिचर्ड्स मदनलाल को देखकर मुस्कुरा रहे थे और विव रिचर्ड्स की ये मुस्कुराहट मदनलाल को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर रही थी। और ठीक उसी वक्त क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जो न कभी उसके पहले हुई थी और न ही कभी उसके बाद हुई। मदन सर ने कपिल सर के हाथों से गेंद छीन ली थी और विव रिचर्ड्स के सामने गेंदबाजी के लिए आकर खड़े हो गए थे। कहना नहीं, ऐसा मनु समझता नहीं है बॉलर एक ओवर ओवर दे दे। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे को तीन ओवर में 21 रन पड़ गए थे तो इसने ऐसे रखा हुआ था, मैं दो तीन बार बोला मैं कहा दे दे, ये ऐसे ही खड़ा है, मैं कहा अच्छा ला दे इधर। और मदन सर के इसी ओवर की एक गेंद को फुक करते समय विव रिचर्ड्स मिस टाइम हो जाते हैं। गेंद हवा में जा चुकी थी, कपिल सर गेंद के पीछे भाग रहे थे, लगभग 20-25 गज पीछे भागकर अपनी उंगलियों के टिप पर कपिल सर ने वह कैच लिया था। पूरे विश्व कप का यह सबसे बेहतरीन कैच था। यह कैच इतना शानदार था कि कैच लेते ही दर्शक दीर्घा से कुछ भारतीय दर्शक खुशी में आकर कपिल सर को घेर लेते हैं। विव रिचर्ड्स नाम का वह तूफान अब मायूस होकर बाहर जा रहा था। 57 रन पर अब वेस्ट इंडीज अपने 3 विकेट गवा चुका था। विव रिचर्ड्स के जाने के बाद मदनलाल और मोहिंदर अमरनाथ ने किसी भी वेस्ट इंडीज के तुर्रम या तोप को मैदान में टिकने नहीं दिया। विश्व कप के इस फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। मदनलाल 3, मोहिंदर अमरनाथ 3, बलविंदर सिंह संधु ने 2 और रोजर बिन्नी और कपिल देव सर ने 1-1 विकेट लेकर पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को महज 140 रन पर ही समेट दिया था। मदन सर की उस जीत और कपिल सर के उस कैच ने भारत को 1983 के विश्व कप का विजेता बना दिया था। लॉर्ड्स की बालकनी पर कपिल सर ने शैंपेन की बोतलें खोली और नीचे नाच रहे भारतीय दर्शकों को उससे सराबोर कर दिया। कपिल सर ये शैंपेन की बोतलें वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम से लेकर आए थे क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने तो जीत की उम्मीद ही नहीं की थी और इसलिए भारतीय खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में एक भी शैंपेन की बोतलों का इंतजाम नहीं था। मैच जीतने के बाद कपिल सर वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम में गए और वहाँ पर शैंपेन की बोतलों का इंतजाम पहले से था क्योंकि उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। कपिल सर ने वेस्ट इंडीज के कैप्टन क्लाइव लैड से पूछा, क्या मैं इन शैंपेन की बोतलों को ले सकता हूँ? क्लाइव लैड ने कहा, हाँ तुम इन्हें ले जाओ, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों ने वेस्ट इंडीज को हरा कर उन्हीं की शैंपेन की बोतलों से अपना जश्न मनाया था। शाम को 6 बज चुके थे, कपिल सर लॉर्ड्स की बालकनी में विश्व कप की वह ट्रॉफी लेकर खड़े थे। भविष्य में हम चाहे जितने विश्व कप जीत जाएं, लेकिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इससे सुनहरा पल कुछ भी नहीं हो सकता है। इस जीत का जश्न मनाने भारतीय टीम उस रात जब एक होटल पहुंची, तो होटल का बिल पे करने के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पास पैसे नहीं थे। शैंपेन की शैंपेन बॉटल खुल रही थी, लोग पी रहे थे, लेकिन मैं डर रहा था इसके पैसे कौन देगा। आखिरी दिन था टूर का, किसी के पास कोई पैसा नहीं था, आज भी नहीं जानता वो पैसे किसने दिए। 1983 का यह विश्व कप जीतकर जब भारतीय टीम अपने वतन वापस लौटी तो BCCI के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि भारतीय खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा सके। तब भारतीय खिलाड़ियों को प्राइज मनी देने के लिए स्वर कोकिला और दीदी के नाम से मशहूर लता मंगेशकर जी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक संगीत समारोह का कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में नितिन मुकेश और सुरेश वाडेकर ने लता जी का साथ दिया था। इस कार्यक्रम से 20 लाख रुपये एकत्रित हुए और सभी भारतीय खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपये इनाम के तौर पर दिए गए थे। BCCI लता जी के उस योगदान को नहीं भूला और सम्मान के तौर पर भारत के हर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच के 2 VIP पास लता जी के लिए रखे जाते थे। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाग जमाना ढूंढेगा। लव यू कपिल सर एंड ऑल इंडियन टीम ऑफ 1983।